नंबर थ्री चलिए देख लेते हैं। डीपी फोर क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट टाइम विल 800 बी अमाउंट टू 882 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल। 800 कब 882 बन जाएगा 5% पे, आपको ये बताना है। तो 882 800 वन प्लस 5/100 रेज़ टू द पावर ऑफ एन। सर तो अमाउंट 882 है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 882 है? नहीं, वो बोल रहा है कब मेरा पैसा, व्हाट टाइम विल रुपीस 800 अमाउंट टू 882, मतलब 800 रुपए कब 882 बन जाएंगे। 882 आपका अमाउंट की तरह एक्ट करेगा। यस यस, ये आपका 1 प्लस 1 अपॉन 20 का पावर n, ये 21 बाय 20 का पावर n, तो ऑब्वियसली दिख रहा है n क्यूब लिखा है ना, n का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्यूब लिखा है मतलब, नॉट n क्यूब, एक्चुअली क्यूब लिखा है, दिस इज क्यूब। यस सर, n 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यस सर, वेट लेट मी कॉपी। यस बेटा, यस सर, देन वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 4। सर 4, 4 में क्या लिखा है, एट व्हाट रेट पर एनम द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी रुपीस, कंपाउंड इंटरेस्ट विल रुपीस 10,000 अमाउंट टू 13,310। बेटा ये दिख रहा है ना क्लियर, क्या परसेंट पर एनम पे 3 साल में हो जाएगा, 13310 लिखा है, ये लिखा है 10,000, 10,000 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए 3 साल में ऐसा हो जाएगा। तो ये दिख रहा है किसका क्यूब है, 11 का, ये 10 का, तो ये क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए ना। हाँ यस सर, कंपेयर कर सकते हो आप दोनों को, 11/10 इज 1 प्लस आर बाई 100, तो 1/10 विल बी आर बाई 100। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो इसको पहले तो। यस सर, यस सर, रिटर्न। नेक्स्ट लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सर, 8। फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ द इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट अ कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज 1331। प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, 8th वन, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r बाय 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। यस yes sir, amount is nothing but principal plus compound interest, now this yes sir, 1 plus r by 100 raised to the power of n, now the question is to find out the principal only, compound interest aapko diya hua hai, compound interest kya diya hua hai, 331 rupees plus principal equal to principal into what is the rate of interest given to you, 10%. Rate of interest is 10%, 1 plus 10 by 100 raised to the power of how many years, 3 years, 3 years equal into 11/10 ka cube, this is how it goes. Now can I say that this equation is to be solved with this equation? Yes so, sir, p into 11/10 ka cube p 31 plus p. Yes yes sir, sir we can say that 331 is equal to 11/10 cube, which is not 11/10 cube, 331 11/10 cube thodi hota hai, 11 क्यूब माइनस 10 क्यूब होता है। ओके सर, ठीक है, यस सर। अच्छा देखो तो ये क्या हो जाएगा, p 11/10 का क्यूब, अगर मैं p को यहाँ ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, p 11/10 का क्यूब माइनस 1 इज 11 क्यूब माइनस 10 क्यूब, कैन आई से दैट, हो जाएगा 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब is equals to 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब। यस, इससे कट गया तो p कितना आ गया, 10 का क्यूब कितना आ गया, 1000, इज इट क्लियर, p कितना आ गया 1000, ठीक है। सर आई डिडंट अंडरस्टूड बेटा, व्हाट यू डू इज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन, या यदि कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आता है तो आप ऐसे सॉल्व करो, दूसरे मेथड से सॉल्व कर लो, ये है ना, p को लिख दो 1/1000, ये ठीक है,
यस यस सर, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है आपको, कर यस सर। लेना। पी को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पी 1331/1000 माइनस पी इज 331, पी हो जाएगा 331/1000, 331 ये ऐसे ही करते ना, एलसीएम लेके 3000 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, इधर कैलकुलेशन है, मैथ्स, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये नोट करो पहले आप। यस सर। सर जो ये माइनस पी था वो कहाँ पे गया? कौन सा माइनस पी, ये वाला स्टेप में यस सर। ये एलसीएम लेंगे ना अभी हम इसका, अभी आप एलसीएम लोगे ना आप। तो सर एलसीएम 1000 आएगा। ये बन जाएगा ना 1331 -1000 टाइम्स पी अपॉन 1000, यस फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर सर जो बाहर वाला पी है वो कहाँ गया? बेटा ऐसा होता है ना, 21/20x - x, तो क्या करते हैं इसको 20 से मल्टीप्लाई, 21x - 20x/20, x/20 यही होता है ना, यस। तो यही 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर पी बच गया ना, पी तो निकालना था, एक्स यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन में एक्स ही तो ढूंढना है आपको। समझ आ रहा है? नो सर। ये देखो आप, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, फॉरगेट दिस, इसको आप भूल जाओ। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े नंबर देख के घबरा जाते हो आप, बड़े नंबर देख के डरना क्या है, नंबर तो नंबर है। बेटा लिखा 1331 p/1000 - p = 331, इसको सॉल्व करने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई ओके डिवाइड सर, करना है 131 इज आल्सो द वैल्यू ऑफ पी। ओके अंडरस्टूड नाउ। इनटू पी। हाँ सर, मैं पहले समझ गई कि वो पी अलग है ये पी अलग है, पर 131 का भी पी और 1000 भी पी है, तो आप समझ गए। 331 p/1000 इज 331 पी आ यस सर, जाएगा, ओके ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9, 10, 11, इलेवन 11, 11 में बेटा देखो क्या, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज दिस मच, इट हैज बीन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड इट्स पॉपुलेशन 3 years ago, 3 साल पहले की पॉपुलेशन वो पूछ रहा है आपसे, 3 साल पहले की पॉपुलेशन मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है ना आपसे, 3 साल पहले क्या हुआ ओके होगा, सर। तो सर हम डेप्रिसिएशन पहले, मत लगाना, हाँ पहले एक सम किया है डेप्रिसिएशन मत उसमें से। लगाना, मिस्टेक मत करना, डेप्रिसिएशन नहीं है ये, क्योंकि डेप्रिसिएशन में क्या होता है, प्राइस किसी के रिस्पेक्ट में घटती है, पॉपुलेशन पुराने वाले पॉपुलेशन से बढ़ रही है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ कि पीछे वाले हिसाब से मैं पॉपुलेशन को घटा दूंगा, यू अंडरस्टैंड दिस। 103 5% बढ़ा, 105 हुआ, लेकिन 105 का 5% कम 100 नहीं होता है, ठीक है। तो ये यस लॉजिक सर, मत लगाना कभी भी, नेवर अप्लाई दिस लॉजिक। यस सर। तो सर इसमें हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है। हाँ ठीक है ना, अमाउंट मालूम है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, कर लोगे ना आप, ओके सर, यस सर। सर 12 एंड 13 ऑल्सो प्लीज। यस। ट्वेल्व एंड थर्टीन, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। एक सेकेंड, 11th क्वेश्चन में ना, 11 तो मैंने बता दिया यस आपको, सर,
11th आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डू। यस सर, 11, 12 12th वाले क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स। अच्छा इसमें डिप्रिसिएशन लगा दोगे ना आप, डिप्रिशिएट अगर प्रेजेंट वैल्यू 50,000 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000 प्रिंसिपल 1 - R/100, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n, तो 2 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? सर मैंने ऐसा करा पर मेरा आंसर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा? ये कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, सो 50,000 81/100, दो जीरोस आपने काट दिए, 81 × 500 कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट। सर पर नहीं आएगा, आप चेक कर लो, मेरा भी यही जो आपने आया ना वही आ रहा है, पर लेकिन इधर कुछ और दिया हुआ है। अच्छा ये सिर्फ 50 दिया हुआ है पर लास्ट में तो 500 आना चाहिए ना, क्योंकि 20 है। देखो क्वेश्चन में हमें आंसर ही दिख रहा है ना कि ये तो 4 लाख दिया हुआ है, 50,000 की चीज़ 4 लाख कैसे हो जाएगी कम होने के बाद, है ना? तो कहीं ना कहीं एक जीरो ऐड करना अलग जगह चाहिए था और कहीं गलत जगह ऐड कर दिया है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 40500 आ जाएगा। हाँ सर मेरा यही आ रहा है पर यहाँ पे 40050 दिया हुआ इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। जीरो यहाँ का उठा के इन्होंने यहाँ डाल दिया, ठीक है ना? यस सर। सर 13 13 करेक्ट कर लो, आंसर की मैं करेक्शन करते चलूँ आप। यस सर। और अच्छा कौन कौन सा बच्चा सारे आंसर्स को करेक्ट करते हुए चल रहा है, पहले क्लास से सारी मॉड्यूल का करेक्शन किया है? सर नहीं करा क्योंकि उस पहले मॉड्यूल नहीं थी हमारे पास। अच्छा लेकिन जब से मॉड्यूल का हार्ड कॉपी मिला है किया है आपने करेक्शन? सर थोड़े थोड़े ही किए। ओके ठीक है करते चलो जितना हो सके, पॉसिबल यू डू द करेक्शंस। 13 देखे, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 6% एवरी ईयर, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 15,900 फाइंड इट्स पॉपुलेशन अ ईयर अगो, एक साल पहले बताना है। इंक्रीज हो रही है 6% से पॉपुलेशन, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है 11th वाला सेम, यस है ना? यस सर। ठीक है बेटा कर लो फटाफट फटाफट, 11th भी कर लेंगे, कर लूंगी है ना? चले आगे भी देखे, यस सर। लेट्स मूव टू ड्रिल नाउ, ड्रिल में आ जाते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी का क्या स्टेटस है, लोगों ने नहीं किया है क्या इसको सॉल्व? सही, लोगों का तो बहुत सारा बाकी था कल बता रहे थे। तो कब तक कंप्लीट कर लोगे? मैं चाहता हूँ कि सब कंप्लीट कर ले फिर डिस्कशन हम करें, दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल एंड यूजफुल। जैसे मैंने ऐसे किया था, मेरा ये आंसर आ रहा था। बताओ व्हाट अबाउट पंथ, सब मुझे एक एक करके बताओ, पंथ पहले बताना कब करोगे पंथ। व्हाट अबाउट उत्कर्ष, उत्कर्ष कब तक कंप्लीट करोगे? सर 8 या 9th तक। 8 या 9th मतलब बहुत दिन हो जाएगा, 10 दिन लोगे सॉल्व करने के लिए? कि स्कूल में एग्जाम चल रहा है क्या उत्कर्ष तुम्हारे? नहीं सर, वो अभी कुछ फेस्ट चल रहा है हम लोग का, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे था ना सर 26 नवंबर को, तो उसका हम लोग को ना मतलब बना के देना था, 3rd या 4th को देना है, तो उसी के लिए मैं उसमें रहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा सर जल्दी। ठीक है, और बाकी वैनिया का क्या है? वैनिया एक्चुअली मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा हुई है ना, इसलिए सर अभी मेरा काफ़ी सारा बाकी है, तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ओके व्हाट अबाउट वैन कशिश, तो एक काम कर लेते हैं, डिस्कशन को बाद में करेंगे, सीख ही लेते हैं व्हाट वी विल डू, लर्न कर लेते हैं। यस यस सर, यस सर, कंप्लीट कर लेना आप लोग। यस सर। ठीक है बेटा कंप्लीट पढ़ोगे नहीं तो इसके पीछे डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं, इफ यू डोंट स्टडी देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सो वी हैव टू स्टडी देन वी कैन डिस्कस, ठीक है ना? तो उसको मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, ड्रिल से हम लोग अब डिस्कशन तब करेंगे, एक बार कंप्लीट कर लो आप, ठीक है? ठीक है यस सर। एक काम करते हैं नेक्स्ट शुरू करते हैं,
हाँ।